पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोग बोलें, आपके पीछे भी, पीठ पीछे भी आपकी इज्जत हो, ये बहुत जटिल काम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये शोहरत प्राप्त होती है और वो शोहरत प्राप्त कर ही लेते हैं, उनकी इज्जत और सम्मान भी उनको जगह जगह मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता, उनकी लालसा रहती है कि उनको सब अच्छा समझें, और वो अच्छे होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं और नाकारा हैं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको, उनके कुछ ग्रह गोचर ऐसे होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रह ऐसा होता है कि जो मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, और जिन लोगों का सूर्य तुला राशि में होता है या उनका जन्म नवंबर माह में होता है, उनको ये सामना बहुत बहुतायत से करना पड़ता है, मतलब उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती कहीं भी। और तो और हालत ये हो जाती है कि अपनी संतान ही अपनी इज्जत नहीं करती, अपनी पत्नी ही अपनी इज्जत नहीं करती, ऐसी स्थिति तो बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है जिस घरों में ऐसी हालत होती है। तो आज इस यंत्र को बनाकर अपनी पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, और इस यंत्र का चमत्कार देखें। जहाँ जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में, यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ। आज एक ऐसा ही अद्भुत यंत्र आपको बताने जा रही हूँ जो आपने शायद ही कहीं देखा होगा, और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारिक होता है, और इसको जो ये बनाएगा विधिवत, और जो विधिवत इसको अभिमंत्रित करेगा, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उसको हर जगह सम्मान और इज्जत मिलने लग जाएगी, लोग उनका अपमान नहीं करेंगे और पीठ पीछे भी तारीफ होगी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए, आज इसी पर वीडियो केंद्रित है, तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी मैं देती रहती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा इज्जत को प्राप्त हो, उनको इज्जत प्राप्त हो हर जगह, ये मैं उनके लिए कामना करती हूँ, और सम्मान मिले उनको हर जगह, उनके घर के लोग उनको रेस्पेक्ट करें, बाहर के लोग भी रेस्पेक्ट करें, और उनकी कभी निंदा ना हो, ऐसे ही मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। सभी यूट्यूबर्स ये जान लें कि इज्जत कमाना बहुत मुश्किल काम है, और जिस घर की इज्जत नहीं होती उस घर का क्या बोलूँ मैं अब उनके बारे में, मतलब सम्मान और प्रतिष्ठा कर्म करने से मिलती है। अगर बदनामी आपकी होती है तो अपना मूल्यांकन करें कि आपने ऐसा क्या किया है जो लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, उनको दूर करें, उन स्थितियों को दूर करें, और ऐसा काम नहीं करें जो जिससे आपके घर की बदनामी हो। आपके घर की मान प्रतिष्ठा आप ही के हाथ में होती है, और ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे मान प्रतिष्ठा पर बट्टा लग जाए। तो आइए, आज का ये वीडियो बना रही हूँ आप ही के लिए, और इसको बनाने, मतलब इस यंत्र को अपने पास रखने से आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा, और आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत, मान सम्मान में कमी आ जाए। आप हमेशा ऐसा काम करने को तत्पर रहेंगे जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलवाए। तो वीडियो ध्यान से देखिए, और इसको बनाने का प्रोसीजर भी जानिए कि कैसे बनाना है, कब रखना है पॉकेट में। वैसे तो इसको आप किसी भी दिन पॉकेट में रख सकते हो, लेकिन रविवार को अगर आप इसको पॉकेट में रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और बृहस्पति भी जिनका डाउन होता है ना, तो उनको भी दिक्कत आती है मान प्रतिष्ठा मिलने में, तो इसको बृहस्पतिवार को भी बना के रख सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में आपको बनाना है कि टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, और बहुत ही तसल्ली से इसको बनाना पड़ेगा आपको। यंत्र इस प्रकार है, देख लीजिए, चार खाने हैं इसमें, और अंग लिखा है अ
ऊपर बिंदी और साइड में एक डॉट है, ऐसे ही आपको बनाना है। फिर दंग द लिखा है, मतलब द के ऊपर बिंदी है और साइड में डॉट है। फिर व है, व के ऊपर बिंदी है और साइड में डॉट है। और फिर स है, ए द व स, ये चार अक्षर हैं और चार चारों खानों में यही अक्षर हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। ये जो थोड़ा मोटा है ऐसा नहीं बनाना, डॉट ही लगाना है सिंपल, आपको जो साइज मैंने बताया है। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इक्वली लाइन बनाने की कोशिश करें और शब्द थोड़ा साफ साफ लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इज्जत प्राप्ति यंत्र है, पहले खाने में ए है, फिर द है, फिर व है, फिर स है, उसी प्रकार से आगे भी ये कंटिन्यू में चार बार लिखा है, ए चार बार लिखा है, द चार बार लिखा है, व चार बार लिखा है और स चार बार लिखा है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसे आपको अनार की कलम से भोजपत्र पर लिखना है। अनार की कलम तो आजकल ऑनलाइन मिल रही है, तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी, तो अनार की कलम आप ऑनलाइन भी मंगा लीजिए। अगर आपके पास घर में अनार का पौधा लगा हुआ है तो उसमें से भी आप तोड़ सकते हैं। तो अनार की कलम लेनी है आपको और भोजपत्र पर लिखना है, और लिखने के लिए जो शाही बनेगी उसके लिए कुमकुम मतलब रोली, चंदन, चंदन का चूरा या चंदन का पाउडर, गोरोचन, ये तो तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कस्तूरी भी ऑप्शनल है, कस्तूरी भी मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगी होती है, और आपको मिल जाए, मुझे तो कहीं नहीं मिली आज तक, तो आपको कस्तूरी मिल जाए तो आप ये भी ले लें। वैसे कुमकुम, चंदन और गुरुचन की शाही आप बना के और अनार की कलम से लिखें और भोजपत्र पर लिखना है। इसको अगर आप पॉकेट में रखते हो या पर्स में रखते हो, इसको क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे ये जानिए। इससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ जाओगे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके आगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी, पैर छुएंगे आपके, इतना ज़्यादा इज्जत आपको मिलने लग जाएगी, और कोई भी आपकी बुराई नहीं करेगा, सब आपकी बड़ाई ही करेंगे, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो इससे बढ़कर और इंसान को क्या चाहिए। तो ये यंत्र आपको बनाना है और ये सामग्री मैंने आपको बताई, लेकिन इसको बनाना कितनी बार है ये थोड़ा सा परिश्रम का काम है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 100,000 की संख्या में ये आपको लिखना है और भोजपत्र पर लिखना है। तो मैं आपको बोल दूँ, यंत्र विद्या बहुत ही मुश्किल होती है, ऐसे ही यंत्र बन जाए और ऐसे ही आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए तो कोई भी यंत्र बना लेगा। यंत्र बनाने वाला कोई बिरला ही होता है जो इतनी पेशेंस से यंत्र बनाता है। तो अगर आपको इज्जत प्राप्ति की कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, मान सम्मान आपको चाहिए, तो इस यंत्र को आपको बना सकते हैं। इसको मैंने आपको बना के दिखाया, तो इस यंत्र को आप बनाइए और सम्मान पाइए। आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ऐसी वीडियो शेयर भी करा करिए, क्योंकि शेयर करने से आपको सबका आशीर्वाद मिलता है और आपके थ्रू मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी तरह की मेरे वीडियो या YouTube पर 4,000 से भी ज़्यादा हैं जिनको आप देख सकते हैं। टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री, मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ लाभान्वित भी करेंगी। तो आप अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।